फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। बोकारो के पेटरवार थाना इलाके के पिछड़े गांव में बुधवार को एक पिता द्वारा अपनी दो बेटियों के निर्मम हत्या करने की खबर सामने आ रही है। घर के कलह से तंग आकर एक पिता ने खौफनाक कदम उठाया और अपनी दो मासूम बेटियों को घर से बाहर झाड़ी में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के दो बेटे भी हैं, जिसमें से एक ने अपने पिता के इस निर्मम काम को देख लिया और हल्ला करने लगा, लेकिन जब तक घर के लोग आते बच्चियों ने दम तोड़ दिया था। आरोपी भी वहीं खड़ा था। हल्ला होने पर आसपास के लोग भी जुटे। मामले की जानकारी पेटरवार थाना को दी गई। बेरमो थाना नजदीक होने के कारण मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दोनों बच्चियों के शव को अस्पताल भेज दिया गया। पापा क्या की? हाँ बताओ। पापा बोले ना इधर खा लेंगे, तो दीदी बड़की दीदी ना सो गए थे, तो बड़की दीदी खोली पापा को, फिर पापा बोले ना फिर पापा चल गए, तो पापा बोले इधर खा लेना, फिर पापा अधर को उठा, फिर पापा ना रूम में चिपे, फिर बड़की दीदी जा गए, तो वो बड़की चिल्लाए तो हम भी जा गए, फिर मेरा नींद टूट गया, तो फिर ना पापा ने बोले लैट्रिन ले जाएंगे, चलो लैट्रिन लगाए, फिर है ना हमको लगा दूसरा आदमी चिल्ला रहा होगा, लेटरिन का हो जाए, फिर हमको लगा सपना होगा, तो फिर पापा दो बार लेटरिन कैसे लग गया पापा को, फिर पापा ले गए, तो हम फिर टटर आई में छोटकी टटर आई, फिर गए हम भी चिल्लाने लगे, मम्मी भी आई बाहर, तो मम्मी भी आए, हम चिल्लाने लगे, तो चला के देखी मम्मी। तो फिर क्या देखा बाबू तुम? तो पापा ना छोटकी को बैठा ले रहे चीप रहे, और बड़ी दीदी को अब बड़ी दीदी को उधर दीवार तरफ रखे हुए ना कपड़े बांध के फेंक दिए। तो तुम चिल्लाने लगे फिर? तो शादी करने का डर से अपने बच्चे को मार दिया। अभी जब बाद में कांड होने के बाद पूछे क्यों किया सब, तो बोला समाज के डर से अपना बेटी को मार दिए। शिकायत अपने किए थे कभी? घर वालों को नहीं बताया अपने की इसका क्या? जान के सबको शिकायत हुआ था, उसी कारण आके मार दिए। आप कहाँ थे उस वक्त जब बच्ची? हम सो रहे थे दूसरा रूम में, जब भाई चिल्लाया मेरा बेटा बड़ा वाला, तब हम उठे अचानक तोड़ के बाहर निकले, बोले क्यों चिल्ला रहा है रे, तो बोल रहे पापा दीदी को ले गया है उधर, तो हम बोले कहाँ लेके, तो कहीं लैटरिन, हम लोग को बाथरूम नहीं है अंदर में, तो हम बोले क्या कर रहे हैं, झाक के देखे उधर झाड़ी तरफ, बोले क्या कर रहे, तो बोल रहे लैटरिन, तो तुम जाओ अंदर हम आ रहे, तो बोले वो लोग कहाँ गई, तो बोले देखो अंदर गई लैटरिन करके, तो अंदर देख के जा रहे पूरा घर खोज रहे, बोले तो नहीं आग बर नहीं है, तो हम टॉर्च लेके आगे देख रहे दोनों बेटियों मार के तब हम हल्ला करने लगे, तो गाँव ढोला मोला सब आके देखा है, सबको आया गाँव वाला दौड़ के आया, हम कैसे सो गए थे, बाहर निकल के उसको झाड़ी तरफ ले गया था, घर के अंदर करता तो हम जागते नहीं, और मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं दूसरा रूम में जाके सो गए। रात में टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि पिछड़ी गांव में एक पिता के द्वारा अपनी दो बेटियों की हत्या कर देने के संबंध में सूचना मिली। इस संबंध में यहां से पिटरवार थाना से हम लोग निकले, तब तक बेरमो थाना में इसमें टाइटल किए थे, और वो दोनों बच्ची को तत्कालीन जो निकटवर्ती हॉस्पिटल दिल्ली में ले जाया गया, और जहाँ डॉक्टरों द्वारा उनसे मृत घोषित कर दिया गया, और लड़की के पिता मानसुख कुमार सोनी को अभी न्यायिक हिरासत में लिया गया है, और अभी तक अनुसंधान है। क्या मामला है? मामला अभी आ रही है कि वह मार करके अपने आप को बोल रहा है कि हम मुक्ति पा लिए हैं, और अभी इसमें जांच चल रही है, अभी जब तक हर बिंदु पर जांच नहीं हो जाती है तब तक बताना संभव है। क्या लगता है, पारिवारिक कलेश था या आर्थिक तंगी, क्या मामला प्रथम जांच करने के बाद ही हम लोग के लिए।